हाय गाइस, तो अभी हम लोग चालू करते हैं विद टैबलेट कंप्रेशन। ठीक है, जो हम लोग आज पार्ट है टैबलेट कंप्रेशन, एंड देन फिर इसी वीडियो में हम लोग सुपर गैलेंट चालू कर देंगे। ठीक है, सुपर गैलेंट्स के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिस्कस्ड वी विल बी गोइंग ऑन जनरल कंसिडरेशन, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स, रिव्यू ऑफ फॉर्मूला एंड फिर वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो हम सब लोग कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे एक ही साथ में। और ठीक है, थोड़ा सा बाकी है, फटाफट खत्म करते हैं। तो टैबलेट कंप्रेशन के बारे में उन्होंने बात की है, तो देयर आर थ्री स्टेप्स बेसिकली। एक फिलिंग होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक इंजेक्शन होता है। तो वील जस्ट फर्स्ट सी दैट टैबलेट कंप्रेशन का ओवरव्यू क्या होता है, वो जी वी मैम ने हम लोग को बोला हुआ है लिखने के लिए। तो टैबलेट कंप्रेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, फिलिंग, कंप्रेशन एंड इंजेक्शन। ओके, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स आर डिजाइंड विद द फ्लो विद फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स, हॉपर, डाइस, पंचेस, कैम ट्रैक्स एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हॉपर तो आपको पता है जहाँ से अपना फीडिंग होता है, मतलब जहाँ से अपन पाउडर डाल रहे होते हैं। डाइस आपको पता है जिसके अंदर अपना कंप्रेशन होने वाला है, और पंचेस जो है वो हम लोग को हेल्प करेंगे इन अप्लाइंग द प्रेशर ड्यूरिंग द दिस थिंग कंप्रेशन। कैम ट्रैक्स जो रहेंगे फॉर गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द पंचेस। ओके, पंचेस किस मूवमेंट में मूव करेंगे उसको गाइड करने के लिए हम लोग का कैम ट्रैक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाई फिलिंग, दिस इज नॉर्मली अकम्प्लिश बाय ग्रेविटेशन फ्लो ऑफ पाउडर फ्रॉम द हॉपर टू द टाई कैविटी बाय द टाई टेबल। ठीक है, डायरेक्टली ग्रेविटी के हेल्प से अपन क्या करेंगे कि हॉपर से डायरेक्टली जो है पाउडर जाके गिरेगा हमारे टाई कैविटी के अंदर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। टैबलेट फॉर्मेशन, कंप्रेशन, ठीक है, एंड देन वी हैव इजेक्शन। इजेक्शन मतलब क्या होता है कि लोअर पंच राइजेज इट स्टेप रीचेज द टॉप लेवल ऑफ द डाई, द टैबलेट इज सब्सिक्वेंटली रिमूव फ्रॉम द टाई टेबल बाय पुशिंग डिवाइस। इसको जरा अपन विद द हेल्प ऑफ फिगर भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, टॉप पंच इज विड्रॉन फ्रॉम द डाई बाय द पंच बाय द अपर कैम, लोअर पंच इज लोअर्ड इन द डाई सो पाउडर फॉल्स इन टू द होल एंड फिल्स द डाई। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहले, सबसे पहले आपको क्या होगा, एज यू कैन सी दिस डायग्राम, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले बात तो ये आपका अपर पंच है और ये आपका लोअर पंच है। ओके, नाउ दीज आर समथिंग इज कॉल्ड एज योर कैम ट्रैक्स। ये देखो, ये जो है ना, ये आपके कैम ट्रैक्स है जो आपके मूवमेंट ऑफ पंच को गाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये लोअर लिफ्ट ये अपर लोअरिंग कैम है और ये अपर लिफ्टिंग कैम है। ओके, और ये इजेक्शन कैम है, वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सबसे पहले बात तो क्या आएगा कि आपका जो अपर पंच है दैट विल बी लिफ्टेड, सॉरी क्या बोलते हैं अपन उसको, अपर पंच अपने प्लेस में रहेगा, लोअर पंच जो है वो इट विल स्लाइटली स्टार्ट टू कम डाउन। ओके, सो देखो, जैसे कि ये हमारा जो कैम है, इस कैम को हम लोग बोलते हैं फिल कैम, बिकॉज दिस कैम इज गाइडिंग द पंच टू मेक रूम फॉर द पाउडर टू कम इन द डाई कैविटी। ओके, बिकॉज अगर पंच रहेगा तो ये स्पेस जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक है, तो एक देखो पाउडर से भर गया, अभी पाउडर एकदम से ज़्यादा भर गया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपने पास एक स्क्रैपर आया है, तो स्क्रैपर क्या करता है, सारा का सारा पाउडर जो है निकाल देता है उसमें से, जो एक्सेस है, एक्सेस निकल गया। अब जो है धीरे धीरे अपर लोअरिंग कैम, मतलब क्या हो रहा है ना कि अपर कैम है, अपर पोजिशन में प्रेजेंट है, और अपर पंच को वो लोअर डाउन कर रहे हैं, इट इज़ गाइडिंग द पंच टू कम डाउन एंड कंप्रेस द टैबलेट इन द डाई कैविटी, सिंपल एज दैट। ओके, वो कंप्रेस करते रहेगा, एंड वंस दैट कंप्रेशन इज डन, ठीक है, द इजेक्शन कैम विल वर्क नाउ। तो अपर कैम जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, एंड इजेक्शन कैम भी ऊपर, मतलब जो अपना ये है लोअर कैम है, वो ऊपर आना चालू हो जाएगा। ओके, सो दैट द टैबलेट इज इजेक्टेड आउट ऑफ द डाई कैविटी। अब ये रोल्स का कहाँ काम है, रोल्स का ये काम है कि कैम्स के ऊपर प्रेशर लगाना ताकि हमारे टैबलेट्स जो है वो कंप्रेस हो जाए, बस यही है। इसका और भी आपको समझ में रखना चाहिए, और इसको ही अपने को ओन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है ना। इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी वील गो ऑन टू द दिस थिंग टैबलेट कंप्रेशन। तो इसमें क्या लिखना है अपने को, इसमें लिखा हुआ है द ड्यूरिंग कंप्रेशन द टैबलेट प्रेस परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, ये अपने को पता ही है, फिलिंग ऑफ एम्प्टी द कैविटी विद ग्रैनुलेशन, ठीक है ना, प्री कंप्रेशन ऑफ ग्रैनुलेशन, इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी एंड टेक ऑफ द कंप्रेस कैप टैबलेट, वही हमने डिस्कस किया अभी, ये सब चीज़ें चार डिस्कस हमने की, बराबर है। अच्छा, नाउ वी हैव टू डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट्स। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि द ग्रैनुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द डाई फीड सिस्टम एट एन अनइंटरप्टेड एडिक्वेट रेट। मतलब क्या, ये देखो, सी यहाँ पर है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखते हैं, या सो द ग्रैनुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द डाई फीड सिस्टम एट एन एडिक्वेट रेट एंड अनइंटरप्टेड रेट।
ठीक है ना, बराबर है, बराबर है। द डिलीवरी सिस्टम, जो डिलीवरी सिस्टम जो हमारे डेनिनेशन को प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग को लेके जा रहा है डाइग्रेविटी के वहाँ पर, शुड नॉट चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, द सिस्टम मस्ट नॉट कॉज सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स, नॉर शुड इट इंड्यूस स्टैटिक चार्जेस विच वुड रिटार्ड द फ्लो ऑफ द ग्रैनुलेशन एंड कुड कॉज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू बिकम सेग्रीगेटेड। दिस शुड नॉट हैपन। ओके, द डाई फीड सिस्टम मस्ट बी एबल टू फिल द डाई कैविटीज एडिक्वेटली इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट द डाई इज पासिंग अंडर द फीड फ्रेम। द स्मॉलर द टैबलेट द मोर डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ यूनिफॉर्म फिल एट हाई प्रेस स्पीड्स। द ग्रैनुलेशन मस्ट हैव गुड फ्लो प्रॉपर्टीज, अ गुड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ रिलेटिवली स्मॉल मीन पार्टिकल साइज टू फैसिलिटेट रैपिड बट यूनिफॉर्म फिल ऑफ डाई कैविटीज। ओके, या सो वही उन्होंने जो है एक एक प्रोसेस को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आफ्टर द डाई कैविटीज हैव बीन फिल्ड, एक्सेस इज रिमूव, द क्लियरेंस बिटवीन द स्क्रेपर ब्लेड एंड डाई टेबल मस्ट बी केयरफुली सेट। हाँ, अब देखो पता है कि स्क्रेपर काम करते हैं तो ये एक्सेस रिमूव करने का काम करता है, करेक्ट ही नहीं करेक्ट है। सो द क्लियरेंस, ये देखो, बिटवीन द स्क्रेपर ब्लेड एंड द डाई टेबल मस्ट बी केयरफुली सेट, टू लार्ज अ गैप रिजल्ट इन लार्जर ग्रैनुलेशन लॉसेस। ठीक है ना, एस्पेशली द ग्रैनुलेशन कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइंस, टू क्लोज अ सेटिंग कॉजेस स्कोरिंग ऑफ द डाई टेबल एंड मेटल कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो जो डिस्टेंस है आपके स्क्रेपर का और आपके डाई टेबल का वो ऑप्टिमाइज रहना चाहिए। इसका इतने डेप्थ में भी एक्सप्लेन नहीं किया तो चलेगा, बट आपको इतना लिखना पड़ेगा कि अगर गैप जो है दोनों के बीच में ज़्यादा है तो ग्रैनुलेशन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, मतलब क्या है कि डाई टेबल जो है ना वो भरते रहेगा और कुछ ज़्यादा ही, यू नो, इट विल बी, व्हाट कैन यू से, मतलब इट विल बी ना लॉस्ट, वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, वो डाई टेबल बढ़ते रहेगा और स्क्रेपर खाली थोड़ा सा एक्सेस निकाल पाएगा, पूरा एक्सेस नहीं निकाल पाएगा। ठीक है ना, डाइट वगैरह बढ़ते रहेगा और फिर जब पंच होने की बारी आएगी ना तो जो भी टैबलेट पेरीफेरी में गिर जाएगा, सब कुछ नीचे गिर जाएगा, दैट विल बी लॉस्ट, राइट, क्योंकि स्क्रेपर से जो स्क्रेप आउट हो रहा है वो टैबलेट जो है बच जाता है, मतलब दो जो वो ग्रैनुल जो है वो इट गोज़ इनटू अपर फीड सर्कुलेट होके, बट बाद में जो गिरेगा वो उसको सर्कुलेट करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो स्क्रेपर के बीच में जो स्क्रेपर और डाइट टेबल के बीच में जो ये है डिस्टेंस है वो सही रहना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आपका डाई टेबल और ये और स्क्रेपर दोनों एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, दिस विल कॉज द मेटल कंटेमिनेशन द प्रोडक्ट। ओके, मतलब स्क्रेपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही आपके टैबलेट को एकदम स्टिक हो जाएगा, डैट शुड नॉट हैपन। ठीक है ना, बराबर की बराबर है, मतलब अगर एकदम से आपने स्क्रेपर, जैसे बोला ना कि एकदम से आपने स्क्रेप किया है ऊपर से, तो शुड नॉट फुल्ली स्क्रेप आउट। ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं ना कि टैबलेट के साथ उसका स्क्रेपर का जो मेटल कंटेमिनेशन है वो हो सकता है, तो दैट शुड नॉट हैपन। ओके, दिस थिंग इज़ डन, वो तो हमने कर लिया। तो हमने एक बात क्या की कि जो डिलीवरी हो रही है बेसिकली हमारा ग्रैनुलेशन सिस्टम के अंदर, जो हमारा टैबलेट प्रेसिंग सिस्टम में जो डिलीवरी हो रही है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, एडिक्वेट फ्लो में होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट शुड नॉट कॉज सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स, एंड नॉर शुड इट इंक्लूड स्टार्टिंग चार्जेस विच वुड रिटार्ड द फ्लो ऑफ द ग्रैनुलेशन। ठीक है, तो डाई फीड सिस्टम मस्ट बी एबल टू फिल द डाई कैविटीज एडिक्वेटली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बराबर है, एंड सब कुछ उसको साथ में एकदम सही से जो है करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, कंप्रेशन ऑफ ग्रैनुल्स अकर्स एज अ सिंगल इवेंट एज द हेड्स ऑफ पंचेस पास ओवर लोअर अपर प्रेशर रोलर्स। ठीक है ना, तो उसको आपके जो जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मैंने अपने नोट्स में बनाई हुई है वो सब वही है जो हमने अभी पढ़ा पहले। ओके, तो विल नॉट गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट, इतना दो पॉइंट्स जो हमने पढ़े वो इम्पोर्टेंट थे, हमने पढ़ लिए। ये देखो अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, ये देखो इसको खाली रीड करो, ये खाली पैराग्राफ आपको रीड करो। कंप्रेशन ऑफ द ग्रैनुलेशन यूजली अकर्स एज अ सिंगल इवेंट एज द हेड्स ऑफ द पंचेस पास ओवर द लोअर एंड अंडर द अपर प्रेशर रोलर्स, मतलब रोलर के प्रेशर के अंदर ये सब कुछ काम होता है, इतना बताने की कोशिश करता है वो। दिस कॉज द पंचेस टू पेनिट्रेट द डाई टू प्री सेट डेप्थ, मतलब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, वी वर सीइंग दिस डायग्राम, राइट। तो अगर आप देख सकते हो ये जो पंचेस है ना, जो लोअर और अपर पंच है वो इस डेप्थ तक जा रहे हैं, ठीक है ना, एज यू कैन सी
देर एबल टू पास थ्रू, देर एबल टू रीच अ सर्टन डेप्थ. ओके, वॉट देर एबल टू डू, देर एबल टू रीच अ सर्टन डेप्थ. सी, इधर तक. अभी वो चाहे तो और भी अंदर जा सकता था, और भी कंप्रेस कर सकता था, बट नहीं, हमने ऑलरेडी जो है सेट करके रखा हुआ है इस डेप्थ को. कूल, तो वो एक प्रीसेट डेप्थ तक जाएगा अंदर. बराबर है कि नहीं? बराबर है. कंपैक्टिंग द ग्रैनुलेशन टू द थिकनेस ऑफ द गैप सेट बिटवीन द पंच सर्फेसेस. रैपिडिटी एंड ड्वेल टाइम इन विच दिस इवेंट अकर्स इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड एट विच द प्रेस इज रोटेटिंग एंड बाय द साइज ऑफ द कंप्रेशन रोलर्स. अगर कंप्रेशन रोलर्स का ज़्यादा साइज है तो डिफरेंट चीज़ें होंगी. तो देखो, अगर कंप्रेशन रोलर द मोर ग्रेजुअली द कंप्रेशन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिलीज्ड. ठीक है, द टेंडेंसी टूवर्ड कैपिंग इन अ फॉर्मुलेशन कैन ऑफन भी रिड्यूस बाय स्लोइंग डाउन द प्रेसिंग. हमको पता है ना कि जब हमारा टैबलेट कभी कभी कैपिंग हो जाता है उसके ऊपर. हमने टैबलेट डिफेक्ट्स पढ़े थे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर ही, तो कैप हो जाता है टैबलेट, कैपिंग हो जाती है. तो उसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या करो ना कि आप प्रेस जो आपका स्पीड है आपके रोटेशन का, आपके टैबलेट प्रेस का जो स्पीड है जो पूरा घूम रहा है उसको ना स्लो डाउन कर दो, ताकि एक एक चीज़ जो है बराबर से बने. ठीक है ना, एंड यूज़ लार्जर कंप्रेशन रोलर्स. बिकॉज अगर आपने छोटा कंप्रेशन रोलर्स बना के रखा ना, तो देखो आपको बताता हूँ इसका भी, आपको मैं एक बताता हूँ कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं. अब अगर ये जो है मेरा कैंट, ये जो मेरा है पंच है, ठीक है, दिस इज़ माय पंच, और ऊपर जो मेरा है देर इज़ अ रोलर. ओके, दिस इज़ अ रोलर. अब अगर ये बड़ा रोलर हुआ तो ये ग्रेजुअली, आपको लगता नहीं है कि ये पंच करते रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आप खुद सोचो कि ये मेरे पास यहाँ पर है, इसको मैं समझाता हूँ. नाउ लेट्स अज्यूम दैट दीज आर माय पंचेस, सॉरी, लेट्स अज्यूम दैट दीज आर माय पंचेस. ठीक है, और मैंने इनके ऊपर एक रोलर चलाया, छोटा रोलर चलाया. अब ये रोलर क्या कर रहा है आप देख रहे हो, ये रोलर, ये रोलर ने सिर्फ एक पंच के ऊपर प्रेशर डाला. ये एक पंच ने एकदम से प्रेशर जो है एग्जर्ट कर दिया और टैबलेट को प्रेस कर दिया और एकदम से रिलीज़ भी कर दिया. तो ड्वेल टाइम रहा ही नहीं ना, एकदम से दबाया, एकदम से रिलीज़ कर दिया. है कि नहीं, समझ में आ रहा आपको? बट वॉट इफ़ यू, वॉट डू यू थिंक, अगर ये बड़ा होगा हमारा रोलर और इसके नीचे आने वाले अब जो पंचेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो ये एक से ज़्यादा पंचेस पे प्रेशर लगाएगा, तो जो रिलीज़ होगा टैबलेट का, जो कंप्रेशन आप कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वो ग्रेजुअल फोर्स होगा. मतलब एकदम से फोर्स नहीं लगाएगा, वो एकदम से फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. एंड द टैबलेट वोंट बी रिलीज, एंड द प्रेशर वोंट बी रिलीज एकदम से, इट विल बी रिलीज वेरी ग्रेजुअली, यू नो, स्लोली जो है प्रेशर रिलीज होगा. इसका वो बोलने का मतलब है. तो ये शुड ड्राइव दिस पॉइंट. ठीक है, डैट ये मैं पॉइंट लिख दो आप. ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना ही पड़ेगा. ओके, ये है. ओके, नाउ अभी तो हमारा हो गया है सब कुछ काम. ये देखो, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट लुब्रिकेंट्स ऑल्सो. मैग्नीशियम स्टीरेट एंड कैल्शियम स्टीरेट आर द मोस्ट यूज लुब्रिकेंट्स. द लेवल एट विच दे आर अप्लाइड हैव टू बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. टू हाई रिजल्ट इन अ सॉफ्ट टैबलेट. अ डिक्रीज इन द वेटेबिलिटी ऑफ द पाउडर कैन एन एक्सटेंशन ऑफ द डिसोल्यूशन टाइम. तो सिंपल है भाई, इतना आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट आई एम सेइंग, ये आपको जो है दिमाग में रहना चाहिए. कूल, तो ये सब तो ठीक है, सब ज़्यादा कुछ अपनी जरूरत तो मेरे हिसाब से नहीं है. ठीक है, तो बस हो गया ना, तो ठीक ही है. तो टैबलेट कंप्रेशन हमने कवर कर लिया. टैबलेट कंप्रेशन में एक बार खाली मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाई की है. तो देखिए, टैबलेट कंप्रेशन में हमने क्या बात की एग्जैक्टली, वी टॉक्ड अबाउट द जनरल प्रोसेस टैबलेट कंप्रेशन किस तरह से होता है. देन वी वेंट ऑन टू दिस प्रोसेस, द ग्रैनुलेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द डाई. हाँ, डिलीवरी सिस्टम के बारे में हमने बात की, डिलीवरी सिस्टम को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, और ताकि सेग्रीगेशन ना हो, ताकि स्टैटिक चार्जेस इंट्रोड्यूस ना हो, फ्लो रेट सही रहे. ठीक है, और फिर जो हमारा फ्रीड पेम है वो डाई के अंदर जो है जितना अमाउंट जा रहा है वो सही तरह से जा रहे. करेक्ट ही नहीं करेक्ट है,
दूसरा हमने भी बोला था कि स्क्रैपर और जो टाई कैविटी उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, गैप रहता है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग, कितना गैप रहना चाहिए कितना गैप नहीं रहना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। हमारा जो डाई है उसके अंदर जो पंचेस जा रहे हैं अंदर, वो एक प्री सेट डेप्थ तक जाते हैं, ओके। एंड यू हैव लार्जर रोलर्स एंड स्मॉल रोलर्स, तो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने जैसे एक्सप्लेनेशन दिया कि रोलर कम, अगर बड़ा रोलर है तो क्या हो सकता है, छोटा रोलर तो क्या हो सकता है, करेक्ट है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। लार्जर रोलर जो लार्जर रोलर जो होते हैं वो ग्रेजुअल प्रेशर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड प्रेशर रिलीज भी ग्रेजुअली होता है, ठीक है ना, तो एयर इंट्रैपमेंट भी नहीं होती फिर उससे, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन द स्टफ एंड देन एट दी एंड यू कैन राइट अबाउट लुब्रिकेंट्स ऑल्सो, दैट मीन्स स्टीरेट एंड दीज आर द लुब्रिकेंट्स दैट आर यूज्ड। ज़्यादा लुब्रिकेंट भी लगाना नहीं है, कम भी लुब्रिकेंट भी लगाना नहीं है, अगर ज़्यादा लुब्रिकेंट लगाया तो फिर सॉफ्ट टैबलेट बनेगा, ओके, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो टैबलेट प्रेसिंग का काम तो हमारा हो गया है, अब हम जाएंगे सुपर गाइडलाइंस के ऊपर, बिकॉज सुपर गाइडलाइंस काफ़ी ज़्यादा है, वी विल जस्ट फिनिश इट देम, ठीक है। अब इसमें हमारा भाई बोलता है सुपर गाइडलाइंस के अंदर कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सुपर गाइडलाइंस, ओके, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सुपर गाइडलाइंस, जिसमें से एक है हमारा IR दैट इज इमीडिएट रिलीज सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म, सुपैक MR दैट इज फॉर मॉडिफाइड रिलीज सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म, एंड देन सुपैक SS दैट इज फॉर नॉन स्टेरिल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इंक्लूडिंग क्रीम्स ऑइंटमेंट्स जेल्स एंड लोशंस, ओके, ठीक है। तो अभी अपने पास है सुपैक IR दैट इज इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, फिर एक हमारे पास सुपैक MR होगा दैट इज फॉर मॉडिफाइड रिलीज, एंड सुपैक SS फॉर नॉन स्टेरिल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ओके, सेमी सॉलिड डेट इज SS सोच सकते हो। अभी अपने पास यहाँ पर है लेवल ऑफ चेंजेस, तो कभी भी हम लोग सेमी सॉलिड सॉरी कभी हम लोग सुपैक आइनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लेवल ऑफ चेंजेस, फिलिंग एंड टेस्ट, ओके। अभी लेवल ऑफ चेंजेस में क्या होता है, दैट दो चेंजेस दैट आर इम्प्रोबेबल टू हैव एनी नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल चेंजेस इन द कलर फ्लेवर्स, चेंजेस इन द एक्सिपिएंट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन लेस देन और इक्वल टू द फॉर्मुलेशन रेंज, ठीक है, सो दिस कैन बी अ चेंज। तो सबसे पहले अपने पास है लेवल वन, तो लेवल वन क्या बोलते हैं कि इम्प्रोबेबल टू हैव एनी नोटिसेबल इम्पैक्ट, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इस एरर का, एरर का इम्पैक्ट है बट ज़्यादा नहीं है, ओके। सो दोज चेंजेस दैट आर इम्प्रोबेबल टू हैव एनी नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, ओके, दोज आर लेवल वन चेंजेस। एग्जाम्पल चेंजेस इन द कलर फ्लेवर, चेंजेस इन एक्सिपिएंट एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन लेस देन और इक्वल टू द फॉलोइंग रेंज, ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन बराबर से वेट बाय वेट नहीं लिया गया है, फॉर्मुलेशन कम ज़्यादा डाल लिया है, ठीक है, बॉटल के अंदर फिलिंग बराबर हुई नहीं है, ठीक है ना, या फिर क्या अपन बोलते हैं कि कलर्स चेंज हो गया है, फ्लेवर चेंज हो गया है वैसे, ठीक है ना, तो दिस इज माइनर चेंजेस। अभी लेवल टू चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस दैट आर दैट कुड हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, फॉर्मुलेशन क्वालिटी ऑन परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है अच्छा खासा, तब हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये लफड़ा वाला है, थोड़ा सा लफड़ा वाला, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, तो कुड दैट कुड हैव आई व्हाट आई एम सेइंग दैट दैट कुड हैव देयर इज अ पॉसिबिलिटी फैक्टर नाउ आल्सो, तो वो एक है। चेंजेस इन द टेक्निकल रेट ऑफ एक्सिपिएंट, फॉर एग्जांपल एवी सेल PH102 वर्सेस एवी सेल PH200 चेंजेस एक्सप्रेस एज परसेंट ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन, ओके, मतलब क्या किया ना मैंने कि टेक्निकल ग्रेड ऑफ एक्सिपिएंट जो था मेरा वो चेंज कर दिया है, तो टेक्निकल ग्रेड अगर मैंने चेंज कर दिया तो क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पर मुझे PH102 यूज़ करना चाहिए था आई हैव यूज्ड समथिंग विच इज PH200, ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, कूल। और चेंजेस एक्सप्रेस एज परसेंट वेट बाई वेट ऑफ टोटल फॉर्मुलेशन, मतलब क्या है कि आपने एक्सिपिएंट एकदम से चेंज कर दिया तो उसके वजह से फॉर्मुलेशन में डिफेक्ट आ सकते हैं, ओके, क्योंकि लोअर क्वालिटी का एक्सिपिएंट है वो, तो उस हिसाब से जो है ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है लेवल वन लेवल टू चेंजेस। लेवल थ्री चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस आर दोज दैट आर लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, सो ऐसे चेंजेस तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। सो एनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सिपिएंट चेंजेस टू अ नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग बियॉन्ड द रेंज फॉर लेवल वन, ऑल अदर ड्रग्स नॉट मीट डिसोल्यूशन कैटेगराइज्ड लेवल, मतलब कैसे होते हैं कि आपका जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेंजेस आ गए अभी, ठीक है ना, आपका जो ड्रग है, आपका जो एक्टिव इंग्रीडियंट है वो नैरो थेरेप्यूटिक रेंज वाला था, ठीक है ना, बट इट हैज़ इंक्रीज नाउ, समझ रहे हो, मतलब कैसे है कि आपका जो ड्रग है, आपको मैंने शायद से पहले लेक्चर में भी समझाया था कि नैरो थेरेप्यूटिक रेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा ड्रग जो बहुत पोटेंट हो
और उसने हम लोग उसको कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो अभी ऐसा ड्रग अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पैदा मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो अगर किसी टैबलेट के अंदर तो इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटीज़। तो ऐसे केस में इट कैन अफेक्ट यू नो इट कैन हैव एन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन। थेरेप्यूटिक ड्रग का लफड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में जो ड्रग्स हैं हमारे अगर उन्होंने डिसोल्यूशन क्राइटेरिया ही पास नहीं किया है वो आपके बॉडी में जाकर डिसोल्यूशन करेंगे नहीं, तो डैट इज़ अ बिगर वेरी वेरी बिग चेंज है कि नहीं। सो वो एक चीज़ है। अभी दीज गाइडलाइंस प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस इन। सो मैं वही बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सुपैक गाइडलाइंस हम लोग क्यों करते हैं। वॉट इज सुपैक गाइडलाइंस? इन द मेथड ऑफ डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट द बैच साइज यूज आर स्मॉल, द साइजेस ऑफ द बैच आर ग्रेजुअली इंक्रीज स्केल अप, द स्केल अप एंड द चेंजेस मेड आफ्टर अप्रूवल इन द कंपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड चेंज ऑफ साइट हैव बिकम नोन एज स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ठीक है, मतलब मैंने लेबॉरेटरी में सब कुछ करके देख लिया बट नाउ आई एम स्केलिंग इट अप, तो वो चेंजेस क्या करूँगा मैं स्केल अप करते के टाइम? वो समझ में आपको वो बोल रहा हूँ। सो गाइडलाइंस प्रूफ प्रोवाइड रिकमेंडेशन, ये वो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द स्केल अप एंड द चेंजेस मेड आफ्टर अप्रूवल इन द कंपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एंड चेंज ऑफ साइट बिकम नोन एज स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। पोस्ट अप्रूवल चेंजेस मतलब अप्रूव कर दिया है आपको कि आप इस तरह से स्केल अप करने वाले हो, बट स्केल अप करते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको रिजोल्यूशन स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, देन यू कैन से कि हाँ अब थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पोस्ट अप्रूवल चेंज हो गया ना, ये अप्रूवल के पहले का चेंज तो नहीं हुआ ये, करेक्ट है। सो वो पोस्ट अप्रूवल चेंजेस में सुपैक गाइडलाइंस आते हैं। तो दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर लेवल्स ऑफ चेंजेस दैट कैन बी मेड। सो लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, लेवल टू इज थोड़ा सा सिग्निफिकेंट, लेवल थ्री इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इंग्रेडिएंट्स और कंपोजिशन में अगर चेंज है तो कैसा करना चाहिए, लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चर में चेंज है तो कैसा करना चाहिए, एंड स्केल अप ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या चेंज है तो कैसा करना चाहिए, और मेथड एंड इक्विपमेंट में अगर आप चेंज करो तो कैसा चेंजेस होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा, ओके। इंग्रेडिएंट्स ऑन और कंपोजिशन चेंजेस, एम्फेसिस ऑन द चेंजेस इन नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस इन द ड्रग प्रोडक्ट, नॉट एम्फेसिस ऑन चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। तो देखो ड्रग सब्सटेंस कितना गया है, ओके, उस पर एम्फेसिस नहीं करना है हमको, हमको एम्फेसिस करना है कि नंबर ऑफ एक्सीपियंट्स हमने चेंज तो नहीं कर दिए, कि पहले अप्रूवल करते टाइम हमने बोला था कि हम लोग सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बट अप्रूवल के बाद में हमने बोला कि चलो एक स्टेबिलिटी इनहांसर भी डाल देंगे हम बाद में, बट दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, है कि नहीं। अगर हमने अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, हमने बोला कि चलो अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस मेरे को थोड़ा इंक्रीज़ करना है क्योंकि पोटेंसी नहीं दिखा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, डजंट मैटर। बट अगर मैंने एक्सीपियंस इंक्रीज़ कर दिए तो फिर वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज एक्सीपियंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो लेवल वन चेंजेस इस पर भी हमारे पास बहुत सारे चेंजेस हैं, राइट, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, ओके। तो फटफट देखते हैं, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन रिलीज रिक्वायरमेंट्स, एबिलिटी टेस्टिंग, वन बैच लॉन्ग टर्म, डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, नन बियॉन्ड द कंपेंडियल रिक्वायरमेंट्स, इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन, फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, ईयरली रिपोर्ट, ओके।